सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बेटे को जन्म देने के एक वर्ष बाद शादी करने जा रही ये अभिनेत्री, बाप के संग बेटा भी चढ़ेगा घोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शादियों का सीजन चल रहा है। जी हाँ, कई सितारों के शादी और सगाई की खबरें हर दिन सुनने को मिल रही हैं। और अब इसी लिस्ट में टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि वह जल्द ही एक्टर कुणाल वर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और अब दोनों सितारों ने अपनी शादी की तारीख भी तय कर ली है। गौरतलब हो कि अभिनेत्री पूना बनर्जी और कुणाल वर्मा इंडस्ट्री के लिए कोई नया नाम नहीं है और जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले हैं। मालूम हो कि वह लॉकडाउन के कारण शादी नहीं कर पा रहे थे, उनकी शादी पोस्टपोन हो गई थी और अब 15 नवंबर को दोनों गोवा में साथ फेरे लेने वाले हैं। वहीं इस शादी की जो खास बात है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस शादी में दोनों का बेटा कृष्यू भी शामिल होगा जो कि एक वर्ष का हो गया है। टीवी कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा लंबे समय से शादी करना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी वजह से शादी की राह में रोड़े अटक रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो दोनों शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं। वहीं इस बारे में बताते हुए कुणाल वर्मा कहते हैं कि हमारी शादी 20 अप्रैल को होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण शादी कैंसिल करनी पड़ी। उस वक्त हमने हालांकि कोर्ट मैरिज कर ली थी और तब पूजा गर्भवती हो गई और हमारी पारंपरिक अंदाज में शादी करने का प्लान धरा का धरा रह गया था। नहीं, कुणाल वर्मा ने यह भी कहा कि बेटे के जन्म के बाद शादी से ध्यान हट गया था और वह बेटे के लालन पालन पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पूजा चाहती है कि हम साथ फेरे लें और शादी एंजॉय करें, इसलिए मैंने शादी की प्लानिंग पूजा की खुशी के लिए की है। ऐसे में पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा 15 नवंबर को गोवा में शादी कर रहे हैं। इसके अलावा इस शादी से जुड़ी एक मजेदार बात यह भी है कि 2020 में भी वे डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे और अब 15 नवंबर को वो यह कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।